हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं आपके साथ अलना खान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनकी फोन रिकॉर्डिंग सुनने का बड़ा आरोप लगाया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और अपने निजी सचिव जैनेन्द्र यादव समेत अन्य नजदीकी नेताओं के घर आयकर की छापेमारी के अगले दिन अखिलेश का ये बयान सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें, अगर हमसे संपर्क करते हो फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। शनिवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सपा नेताओं के कुछ ठिकानों पर छापा मारा था। ये कार्रवाई ऐसे समय सामने आई है जब यूपी में चुनावी सरगर्मी अपने शबाब पर है। विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर है। मुख्यमंत्री पर हमलावर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि वो यूपी के लिए उपयोगी नहीं बल्कि अनुपयोगी हैं। पार्टी नेताओं के ठिकानों पर छापे का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि भाजपा चुनाव हारने वाली है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पूरे राज्य में चुनावी जनसभाओं का दौर तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही शाहजहांपुर में जनसभा की थी जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी के लिए उपयोगी बताया था।